हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। बच्चों देख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ए टू द पावर 11 प्लस बी टू द पावर 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमसे बच्चों a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 का मान पूछा गया है, इसको कैसे करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवेन है, a प्लस बी इज इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चों। इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा बच्चों, क्या आएगा वन। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको कितना गिवेन है, टू। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे बच्चों। तो यहां पे हमको टू ए बी इज इक्वल टू वन, यानी टू प्लस टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहां से ए बी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, टू को वन में से माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों माइनस वन बाई टू, क्या मिलेगा माइनस वन बाई टू, टू अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा हमको एक a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 चाहिए। तो उसके लिए हमें आगे अब क्या करना होगा कि हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, कि जो a प्लस b का a प्लस b इज इक्वल टू वन है इसी को फिर से ले लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस b इज इक्वल टू वन ले लिया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड्स क्यूब करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हम यहां पे क्यूब कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला फिर से ओपन करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, वन का क्यूब तो वन ही होता है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना मिल गया आपको, माइनस वन बाई टू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितना गिवन है, वन, यहां वन लगाइए इज इक्वल टू वन। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा बच्चों। यहां से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे बच्चों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये थ्री बाई टू को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो आएगा वन प्लस थ्री बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा फाइव बाई टू, कितना आएगा फाइव बाई टू, टू एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल चुका है, ठीक है, और ए प्लस बी हमको गिवेन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी गिवेन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चों अब हमको करना क्या है कि ए क्यूब, ये देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनको आपस में इंटू कर लेना है, यानी ये जो आ रहा है फॉर्म और ये जो है ना, इनको आपस में इंटू कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है बच्चों, इधर लिख लेते हैं फाइव बाई टू, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टू। तो आप देख सकते हैं इसको इससे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ए टू, देखिए ए क्यूब का ए स्क्वायर में इंटू करेंगे तो पावर एड हो जाएंगे, तो यहां आएगा फाइव, क्या आएगा बच्चों फाइव। फिर ए क्यूब का हम इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए क्यूब बी स्क्वायर। फिर बी क्यूब का इंटू करेंगे तो बच्चों मिलेगा बी क्यूब ए स्क्वायर। फिर बी क्यूब का इसमें इंटू करेंगे तो बी टू द पावर फाइव, इधर कितना आएगा फाइव, इधर कितना बचेगा फाइव बचेगा। अब बच्चों आप ए की पावर फाइव प्लस बी की पावर फाइव को एक तरफ कर लीजिए, इसमें से आप क्या कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो आपको क्या बचेगा यहां पे, एक ए बचेगा और एक बी बचेगा इज इक्वल टू फाइव। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, ए टू द पावर फाइव प्लस बी टू द पावर फाइव को एज इट इज लिखा रहने देना है बच्चों। ए बी के जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कितना है, माइनस वन बाई टू, तो हम यहां पे माइनस वन बाई टू का क्या करेंगे स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ए प्लस बी कितना है बच्चों वन है, हम यहां पे वन लगा देंगे इज इक्वल टू फाइव।
तो a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5, इसका आपस में इंटू करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1/4 ही तो आएगा बच्चों, उसको उधर राइट में शिफ्ट करिए तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 1/5, कितना बचेगा 4, 5 20, 20 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 19/4, कितना बचेगा 19/4, यानी a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 भी आपको मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अब हमको जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया गया है बच्चों, थोड़ा उस पे भी फोकस करिएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो दिया गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है बच्चों। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड में हम क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे, ऐसे ऐसे क्यूब कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए a प्लस b का होल क्यूब खोलिए, तो a की पावर 3 जा कितना हो जाएगा 6, a क्यूब होता है ना बच्चों, तो a क्यूब प्लस b क्यूब और उसमें स्क्वायर का इनटू हो जाएगा, तो यहां पे b की पावर 6 हो जाएगा प्लस 3ab, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर a प्लस b मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, तो a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6, ab की वैल्यू कितनी है बच्चों -1/2, तो आप यहां लिख सकते हैं -1/2 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको गिवेन है कितना है 2 है बच्चों, तो इनटू 2 लगाइए इज इक्वल टू 8। आपको आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 से 2 को कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा, यानी 3/2 आएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे 3/2 को इधर से ले जाके इधर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 8 16 होता है बच्चों, और 16 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, क्या बचेगा 13/2, समझ में आ गया बच्चों। अब आपको करना क्या है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको हटाते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें करना क्या है बच्चों, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 इज इक्वल टू 13/2 है, ये ध्यान रखिएगा, और हमको क्या मिला था a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 की वैल्यू क्या मिली थी 19/4, इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है, यानी इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 बनाएंगे, तो अब हमें करना क्या है इनका आपस में इनटू करना है, हम यहां पे लिख रहे हैं बच्चों a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 इनटू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6, समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब आपको करना क्या, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 की 19/4 है बच्चों, ठीक है, इनटू कर दीजिए a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी है 13/2 है, कितना है 13/2 है। अब बच्चों हमें इसका आपस में इनटू कर लेना है, तो इनटू करिए इसका a की पावर 5 का इसमें इनटू करेंगे तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा 11 प्लस इसका इसमें इनटू करिए a टू द पावर 5 b टू द पावर 6, इसका इसमें इनटू करिए b टू द पावर 5 a टू द पावर 6 प्लस b का इसमें इनटू करिए b टू द पावर 11, अब कितना आएगा इसका इधर से इनटू कर लीजिए बच्चों, ठीक है, तो ये आ जाएगा 117, यानी कि 7 11 कैरी रहेगा और 13 बन जा 13, और 13 में जब 11 ऐड करेंगे बच्चों तो 24 आएगा, कितना आएगा 24 247, नीचे कितना हो जाएगा 8 247/8 आ जाएगा। अब बच्चों हमें a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 वाले टर्म्स एक तरफ कर लेने हैं, इसमें से कॉमन करना है बच्चों क्या a टू द पावर 5 b टू द पावर 5, ठीक है a टू द पावर 5 b टू द पावर 5। अब बच्चों क्या करना है आपको, यहां से एक कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक b बचेगा और एक a बचेगा, यानी a प्लस b बचेगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे ना लिखकर हम यहां लिख देते हैं 247/8। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों,
ठीक है, a टू द पावर 11 एज इट इज लिखा रहेगा, b टू द पावर 11 एज इट इज लिखा रहेगा, इसको लिख सकते हैं ए बी होल टू द पावर 5। तो ए बी की वैल्यू हमने बच्चों कहां से हमने इरेज कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी हमारा कितना था, -1/2 था, तो हम यहां पे -1/2 की पावर 5 लगा देंगे, और a प्लस बी हमारे पास गिवन है बच्चों कितना 1, हम यहां पे 1 लगा देंगे और ये हो जाएगा 247/8। समझ में आ गया, तो चलिए बच्चों इसको भी हम इरेज कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 इसका होल टू द पावर 5 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -1/32 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 247/8। ठीक है बच्चों, तो a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 कितना हो जाएगा 247/8 प्लस 1/32, इसको हम राइट में शिफ्ट कर दिए। अब बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 32 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा, और 8 4 जा होता है 32, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा होता है 28, 2 कह रही है बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 1 हो जाएगा कह रही, और 4 2 जा हो जाएगा 8, और 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा 989/32, और इधर क्या है a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11। बस बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि इस तरह का सवाल कैसे करना चाहिए। बच्चों थैंक यू।